मध्य प्रदेश में आज से इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर मीट की शुरुआत होगी। दो दिवसीय सम्मेलन का सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अधिकारी परिवार के साथ इसमें शामिल होंगे। पहले दिन टेक्निकल सेशंस और वानिकी विषय पर चर्चा होनी है, तो वहीं वन अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी मंथन किया जाएगा। किस तरीके से काम को बेहतर किया जाए, किस तरीके से काम किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कार्यक्रम में होगा। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अधिकारी शामिल होंगे इसमें। टेक्निकल सेशंस जो हैं वो होंगे पहले दिन, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कई और विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से कामकाज को बेहतर किया जाए और किस तरीके से कामकाज मौजूदा समय में किया जा रहा है। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। दो दिवसीय सम्मेलन है, सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन का शुभ आरंभ करेंगे। ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, पहले दिन आपको बता दें कि टेक्निकल सेशंस होगी और वानिकी विषय पर चर्चा होनी है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दो दिनों का आपको बताएं कि पूरा कार्यक्रम होगा, दो दिनों तक कार्यक्रम चलेगा, आज और कल। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर मीट है ये, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मीट का शुभारंभ करेंगे, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और दो दिनों तक ये कार्यक्रम जो है चलेगा। तमाम बारीकियों पर चर्चा की जाएगी, कार्यक्रम में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से वन अधिकारी जो हैं अब यह काम करें, किस तरीके से वन क्षेत्र को और बेहतर किया जाए और वन क्षेत्र में काम करने में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा इस सेशन के दौरान की जा सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जो है इस दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अधिकारी जो हैं वो अपने परिवार के साथ इस समिट में शामिल होंगे। इस बीच हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे इस समिट को लेकर, किस तरीके से समिट होगी, दो दिनों तक ये समिट चलेगी, किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है। देखिए, अगर बात की जाए तो आईएएस आईपीएस नीट के बाद अब मध्य प्रदेश में आईएफएस के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, इनकी मीट का आयोजन जो है आज से शुरू होने जा रहा है और इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आज आईएफएस के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। दो दिवसीय इस कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आईएएस आईपीएस मीट में जो अधिकारी थे वो अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे, लेकिन एक दिन का जो सेशन होता है वो अधिकारियों का सेशन होता है। इस सेशन के अंतर्गत जो भी उनके कामकाज है उसका वर्णन किया जाता है, कैसे वो कामकाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईएएस आईपीएस मीट का भी जो है शुभारंभ किया था और आज जो है आईएफएस मीट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मीट के अंतर्गत तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होती हुई नजर आएंगी, खेलकूद होते हुए नजर आएंगे, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका शुभारंभ करेंगे 12:30 बजे। इस आईएफएस मीट की अगर हम बात करें तो वन विभाग के अंतर्गत आने वाले जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं या फिर उनके कामकाज होते हैं, जंगलों में कैसे काम करना है, कैसे हम जंगलों को बचाएं, पेड़ कटने को बचाएं और जो हमारा प्रदेश है वो हरा भरा प्रदेश लगातार बना रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जंगल के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, लोग कब्जा करते हैं, हरे भरे पेड़ काटते हैं, इसके साथ ही जो वन्य जीव होते हैं उनका शिकार भी वो करते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, ऐसे तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा की जाएगी और इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री करेंगे। आईएफएस अधिकारियों की आज अगर हम बात करते हैं तो मध्यप्रदेश के तमाम जिलों से आज ये अधिकारी राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज भोपाल में आईएफएस अधिकारियों का देखने को मिलेगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम जो एक्टिविटीज होती है, खेलकूद की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, ये कार्यक्रम भी जो है आयोजित होते हुए नजर आएंगे। पहले दिन पहले सेशन में परिवार के साथ अधिकारी शामिल होंगे, उसके बाद अलग अलग सेशन के अंतर्गत अलग अलग जो है अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल कुलभूषण, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई है, इससे मालूम होता है कि कार्यक्रम बेहद खास है।